दोस्त, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी साउथ इंडिया की बहुत ही फेमस रेसिपी साउथ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपको आपके किचन में इजीली मिल जाएंगे। ये एक बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और इस सांभर को आप इडली, डोसा, वड़ा, राइस या चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमें चाहिए अरहर और तूर दाल, हल्दी, हींग, नमक, लहसुन, करी पत्ते, हरी मिर्च, आलू, भिंडी, प्याज, धनिया पाउडर, राई दाना, देगी मिर्च, इमली, बैंगन, फ्रेंच बीन्स, सूखी लाल मिर्च और तेल। सबसे पहले हम दाल उबालेंगे। उसके लिए आप प्रेशर कुकर में डालें आपकी अरहर और तूर दाल। इसे आप अच्छे से धो लें पहले, फिर आप उसमें डालें पानी। आप यहाँ पे पानी दाल से 1 इंच ऊपर डालें, बहुत ज़्यादा ना डालें। फिर आप उसमें डालें हल्दी, नमक और हींग। इन सारी चीज़ों को आप दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर लें और फिर आप इसे ढक्कन से बंद कर दें और 5-6 सीटी आने तक इसे बॉईल करें मीडियम फ्लेम पे। 5-6 सीटी आने के बाद आप चेक करें, आपकी जो दाल है वो बहुत अच्छे से गल जानी चाहिए कि आप उसे अच्छे से मैश कर सकें। पानी अगर सूख जाए तो आप फिक्र ना करें, क्योंकि हम बाद में भी पानी डाल सकते हैं। सो यहाँ पे जो दाल है वो काफ़ी अच्छे से कुक हो चुकी है, मैं उसे इजीली मैश कर सकती हूँ। दूसरी तरफ हम यहाँ पे वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे। उसके लिए आप पैन में डालें तेल और उसे गर्म होने दें। जब आपका तेल गर्म हो जाए तब आप उसमें डालें आपकी फ्रेंच बीन्स, फिर आप डालें प्याज, बैंगन, भिंडी, भिंडी को आप अच्छे से धो के सुखा लें पहले, फिर डालें आलू। आप अपनी पसंद की कोई और भी सब्जियां डाल सकते हैं। इन वेजिटेबल्स को आप लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लें ताकि जो आलू हैं या बाकी वेजिटेबल्स हैं वो बहुत अच्छे से गल जाएं। सो आप इन्हें अच्छे से फ्राई कर लें। तब तक हम यहाँ पे इमली का पानी रेडी करेंगे। उसके लिए आप एकदम गर्म पानी लें और उसमें आप अपनी इमली डाल दें। इसे आप अच्छे से 10-15 मिनट के लिए भिगो लें ताकि ये हमारा जो इमली का पानी है वो अच्छे से रेडी हो जाए। यहाँ पे हमारी वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से कुक हो चुकी हैं। आप चाहें तो अपने आलू को करछी से काट के देख सकते हैं। हमारी वेजिटेबल्स हो चुकी हैं। यहाँ पे हम तड़का लगाएंगे। उसके लिए आप एक और पैन लें, उसमें डालें तेल। तेल गर्म हो जाए तब आप इसमें डालें आपकी सूखी हुई लाल मिर्च। आप ऐसे भी डाल सकते हैं या तोड़ के भी डाल सकते हैं। फिर आप उसमें डालें आपके करी पत्ते और उसके साथ आप इसमें डालें राई दाना। इन सारी चीज़ों को पहले आप 1-1.5 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लें और फिर आप उसमें डालें लहसुन और गार्लिक। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। उसके साथ आप इसमें डालें हरी मिर्च। इन दोनों चीज़ों को आप 1-2 मिनट के लिए फिर से कुक कर लें। उसके बाद आप इसमें डालें देगी मिर्च। जब आप इसमें मसाले डालें तो आपकी फ्लेम बिल्कुल लो हो। फिर आप डालें धनिया पाउडर और इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पे कुछ सेकंड्स के लिए आप अच्छे से कुक कर लें। उसके बाद आप इसमें डालें आपकी इमली का पानी। इमली को हमने अच्छे से सोक कर लिया था, उसके जो बीज है हमने उन्हें अलग निकाल लिया था।
सो इसे भी आप मिक्स करें। फिर आप उसमें डालें आपकी फ्राई की हुई सारी वेजिटेबल्स। अगर आपको सांभर में ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं पसंद तो आप एक दो डाल सकते हैं, और अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप उसमें पानी ज़्यादा डाल सकते हैं। सो अपनी वेजिटेबल्स को आप अच्छे से इनके साथ मिक्स कर लें। उसके बाद आप इसमें डालें उबली हुई दाल। दाल को बॉयल करते टाइम उसका सारा पानी सूख गया था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी और डाला और पानी को दाल के साथ अच्छे से गर्म कर लिया। सो आप यहाँ पे अपनी दाल को डाल दें। अगर आप दाल पहले डालें तो पानी को आप बाद में भी गर्म करके डाल सकते हैं जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। इसे भी आप अच्छे से सबके साथ मिक्स कर लें। फिर आप इसमें डालें नमक अगर ज़रूरत पड़े तो, क्योंकि हमने बॉयल करते हुए भी इसमें नमक डाला था। सो, नमक को भी आप अपने सांभर के साथ अच्छे से मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे बॉयल होने तक कुक करें। दो से 3 मिनट के बाद जब आपके सांभर में बॉयल आना शुरू हो जाए तो अपनी फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर दें। आपका सांभर रेडी है। इस साउथ इंडियन ऑथेंटिक सांभर को आप इंजॉय करें डोसा, इडली, वड़ा, राइस और चपाती के साथ। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने नहीं किया है आप लाइक एंड कमेंट भी कर सकते हैं, और इसे आप अपनी सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।